फाइनेंशियल एजुकेशन इन देयर नेशनल फाइनेंशियल एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज. Having the knowledge, acquiring skills, and developing necessary habits to use digital services for financial transaction, it is the need of hour to organize digital financial awareness program for the students who are the stakeholders of the system. For this, I congratulate the organizers of the workshop to conduct such type of awareness program for the students that will enable the participants to understand digital financial risk dimensions of digital financial literacy, including the basic knowledge or concept of financial literacy, digital financial risk control, knowledge of consumer rights and redressal procedures. Dear students, I hope you will definitely be able to understand the basic fundamentals of different type of financial services. Have a nice session. Over to सीमा मैम. थैंक यू मीनाक्षी मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स. आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से आज के वेबिनार की थीम के बारे में बताया कि हमें क्यों इस थीम के ऊपर वेबिनार करवाने की जरूरत है. थैंक यू सो मच मैम. नाउ आई इनवाइट आवर फर्स्ट रिसोर्स पर्सन श्रीमती गायत्री देवी. शी इज फ्रॉम अजमेर राजस्थान. शी इज फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनर बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. She is also a resource person at Bombay Stock Exchange. First of all, I want to thank you, our resource persons, for sparing their valuable time for delivering a lecture to us. And then, इसी के साथ मैं सबसे पहले अब invite करूंगी श्रीमती गायत्री जोशी. Over to you, ma'am. Thank you, Seema ma'am. Thank you, Meenakshi ma'am. आज का जो webinar हम लोग start करने जा रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने जो कॉलेज में हमें चांस दिया अपना प्रेजेंटेशन देने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको. सेबी जो सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, जिसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी हम लोग इसको कहते हैं, कि भाई फाइनेंस के बारे में थोड़ी सी लिटरेसी हम लोग इसके अंदर बढ़ाते हैं. लेकिन किसी भी तरह का इसके अंदर मार्केटिंग का काम नहीं किया जाएगा, ना ही कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम किया जाएगा कि जो आपको लेना पड़ेगा या किसी बच्चों को फोर्स किया जाएगा. सिर्फ अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है. जो हम लोग जितना हमारा नॉलेज है हम उसको स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे. कुछ क्वेश्चन जो आपके होंगे वो हम लोग लास्ट में लेने की कोशिश करेंगे. ठीक है मैम. ओके मैम, स्टार्ट कर रही हूँ. यस यस, यू कैन मैम. Wait. Gayatri ma'am is just want to share her screen. Sometimes it will take one. Yeah, you can ma'am. It will take yes, one or ma'am. 2 minutes. एक्चुअली टेक्निकल कुछ ना कुछ इशू आ जाता है मैम. इट्स नॉट एन इशू मैम, प्लीज प्लीज यू टेक योर टाइम. सर मेरी पीपीटी ओपन नहीं हो पा रही है. सीमा मैम ये मेल करवा लो आप. मेल करवा के अपने लेवल पर अपने एंड पे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं हम. मिस्टर विनय जो है हाँ जी उनके पास भेज दीजिए आप, वो यहाँ से प्रेजेंट कर देंगे. ओके मैम. ओके मैम, गायत्री मैम आप मुझे मेल कर दीजिए. जी मैम बताइए मेल आईडी. हाँ मैं आपको चैट बॉक्स में लिख रही हूँ अपनी मेल आईडी. ओके मैम. लिख दिया मैम मैंने. यस मैम. सीमा मैम आई थिंक इट विल टेक टाइम, तो कैन वी स्टार्ट विद अनदर रिसोर्स पर्सन अदर स्पीकर. यस मैम. हाँ
सर जफरुद्दीन सर, इफ यू फाइंड कंफर्टेबल वी कैन स्टार्ट. सर वी कैन सी योर स्क्रीन. यस यस जफरुद्दीन सर, हमें आपकी स्क्रीन नजर आ रही है. जी मैम जी. यस सर. यस सर. मैं मिस्टर गफरुद्दीन, फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनर बाय एनआईएसएम एंड रिसोर्स पर्सन बीएससी, गुरुग्राम हरियाणा से बिलोंग करता हूं. और जो मेरी सहयोगी हैं श्रीमती गायत्री जोशी मैम, रिसोर्स पर्सन बीएससी, जो अजमेर राजस्थान से बिलोंग करती हैं. सबसे पहले हम अपनी टीम मैं आप बाकी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो अपना माइक ऑफ कर दें, बिकॉज डिस्टरबेंस थोड़ी ज्यादा हो जाती है. तो जैसे ही हमें जरूरत होगी हम बाकियों का माइक ऑन करवा लेंगे. फॉर द टाइम बीइंग प्लीज काइंडली स्विच ऑफ योर माइक. हाँ मैं बोल रहा था. नाउ यू कैन स्टार्ट. सबसे पहले मैं अपनी कॉलेज प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर मीनाक्षी मैम और सीमा पांडे मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, विनय कुमार पाठक जी जो एचओडी हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, कोमल गर्ग असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, और सभी कॉलेज के स्टाफ के लिए अपनी टीम की तरफ से तहदिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस वेबिनार के लिए टाइम दिया. इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. हमारे देश में लगभग 46 एएमसी हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां. ये देश की जो 46 एएमसी थी ये 1947 से लेकर 2013 तक अपने प्रॉफिट का 0.02% जो पार्ट था उसको इक्विटी मार्केट में लगाते थे. बट 2013 को गवर्नमेंट एक्टिव हुई, सेबी एक्टिव हुआ, मींस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी ने इनके लिए एक रिमाइंडर डाला. रिमाइंडर क्या था कि आप अपने प्रॉफिट का 0.02% जो पार्ट है उसको देश की फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगाएं, मींस देश की वित्तीय साक्षरता पर लगाएं. तब से ये प्रोग्राम पूरे देश में चल रहे हैं. इनका पर्पज मकसद आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानकारी देना, या फाइनेंस जो हमारे देश का जो फाइनेंशियल लिटरेसी है जिसका रेशो 3-4% का है उसको प्रमोट करना या उसको बढ़ाना. हमारे देश को लगभग 65-70 साल आजाद हुए होंगे, फिर भी हमारे देश की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो गरीब है. हम और आप मेहनत करते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी हम अपने लक्ष्य को कई बार प्राप्त नहीं कर पाते. ऐसा क्यों होता है? या हमारे देश का जो इन्फ्लेशन है, जिस तरीके से इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस तरीके से आम आदमी की इनकम क्यों नहीं बढ़ती? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं. देश के अमीर लोग और अधिक अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं. ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं. इनका आंसर क्या है? इनका आंसर है देश में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी. अगर देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 96% लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में प्रॉपर या पूरी जानकारी नहीं है. हमारे देश में लगभग 4-5% लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानकारी है. तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी एक्चुअली है क्या. फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? धन या पैसे के बारे में सही जानकारी रखना, पैसा किस तरीके से काम करता है या पैसे का काम करने का तरीका क्या है. हमारे देश में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जहां पर हमारी जो सेविंग है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए तेजी से ग्रो करती है या तेजी से बढ़ती है.
हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा जो देश का इन्फ्लेशन है 8-10% का, उसको बीट करते हुए हमारे लिए अच्छा रिटर्न या अच्छा इंटरेस्ट प्रोवाइड किन ऑप्शनों में करती है, इन सब ऑप्शनों के बारे में जानकारी रखना फाइनेंशियल लिटरेसी में आता है। और यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट होंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी की हमको प्रॉपर जानकारी होगी, तो हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा हमारे लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऑप्शन अच्छे होंगे, हमारे ऑप्शन ऐसे होंगे जहां पर हमारा पैसा, हमारी सेविंग महंगाई को मात देती हो, महंगाई को बीट करती हो। तो सबसे पहला एजेंडा, इंडिया में सेविंग का जो रेशो है वो लगभग 33% है। मींस भारतीय लोग अपनी इनकम का लगभग 33% जो पार्ट है उसकी सेविंग करते हैं, जबकि जो यूरोपियन कंट्री हैं, जिनको हम डेवलप कंट्री भी बोलते हैं, वहां पर लोग बाग 4-6% पैसे की सेविंग करते हैं। पूरे वर्ल्ड में भारत के लोग सबसे ज्यादा पैसे की सेविंग करते हैं, लगभग 33%, डेवलप कंट्री 4-6%। मान लो हम अपने कंट्री की उन डेवलप कंट्रियों से तुलना करें तो शायद हम उनसे बहुत पीछे हैं। रीजन क्या है? रीजन है उनके जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शन है वो ऐसे ऑप्शन है जहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट महंगाई को मात देते हुए उनके लिए अच्छा रिटर्न या इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, उनका पैसा, उनकी सेविंग तेजी से ग्रो करती है। हमारे और आपके जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शन है वो ऐसे ऑप्शन है जहां पर हमारा पैसा महंगाई को भी बीट नहीं करता हो, महंगाई को भी मात नहीं देता हो। अगर फाइनेंशियल लिटरेट लोगों के सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शनों की बात करें तो उनके ऑप्शन कौन से होते हैं? जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, बॉन्ड, कॉरपोरेट ऋण, कमर्शियल पेपर, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। यदि हम अपने ऑप्शनों की बात करें तो हम अपना पैसा की जो सेविंग है या पैसा है जो कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम हम बैंक में जैसे एफडी करते हैं, एक तो जैसे फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं जिसको, आरडी करते हैं जिसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, या फिर गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जिनको थोड़ी जानकारी है रियल इस्टेट की, प्रॉपर्टी की, वो अपना पैसा रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर हमारा पैसा इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता, जहां पर हमारा पैसा देश का जो 8-10% का जो महंगाई का जो रेशो है उसको भी बीट नहीं कर पाता। तो हम अपना पैसा ऐसे ऑप्शनों में सेविंग या इन्वेस्ट करें जहां पर कम से कम हमारा पैसा महंगाई को मात देते हुए हमारे लिए अच्छा रिटर्न या इंटरेस्ट प्रोवाइड करता हो। ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन्हीं ऑप्शनों में से हम एक ऑप्शन पर चर्चा करेंगे, म्यूचुअल फंड पर। म्यूचुअल फंड क्या है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड में कदम रखने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टर को करना क्या होता है, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड आज पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए महंगाई को बीट करने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जहां पर हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की सेफ्टी के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा सेविंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड काम किस तरीके से करता है, मान लो हम और आप सभी इन्वेस्टर हैं, या सभी 1,000 रुपए पर मंथ हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, या 1,000 रुपए की एक SIP म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। सारे इन्वेस्टरों का फॉर एग्जाम्पल जो टोटल अमाउंट है वो है मान लो 10,00,000 रुपए। इस टोटल फंड को जो मैनेज करता है वो AMC का फंड मैनेजर होता है। AMC का जो फंड मैनेजर होता है इस टोटल फंड को वो NSE या BSE में लिस्टेड जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं, जो लिस्टेड कंपनियां हैं यहाँ पर, इन कंपनियों में वो इस फंड को इन्वेस्ट करते हैं। मान लो इस टोटल फंड में से फंड मैनेजर ने 5,000 रुपए लिए और यहाँ पर NSE में कोई SBI नाम की कोई कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसी प्रकार 5,000 रुपए यहाँ पर कोई मारुति सुजुकी नाम की कोई कंपनी लिस्टेड है उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसी प्रकार 5,000 रुपए यहाँ पर कोई आयसर मोटर नाम की कोई कंपनी लिस्टेड है जो आजकल अच्छा ग्रो कर रही है उसमें इन्वेस्ट कर दिया। इस प्रकार इस टोटल फंड को अलग अलग कंपनियों में वो इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स इस टोटल फंड को लगभग 40-50 कंपनियों में वो इन्वेस्ट करते हैं। अब आपकी जो 1,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है या 1,000 रुपए की जो SIP है वो लगभग 40-50 कंपनियों में इन्वेस्ट है। आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ इन 40-50 कंपनियों की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है।
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी की सारी कंपनियां अच्छा काम ना करें, सारी की सारी कंपनियां अच्छा बिजनेस ना करें, सारी की सारी कंपनियों को अच्छा प्रॉफिट ना मिले। हो सकता है इनमें से दो चार कंपनियां अच्छा काम ना करें, अच्छा पैसा ना कमाएं, अच्छा बिजनेस ना करें, बट बाकी कंपनियां अच्छा बिजनेस करती हैं, अच्छा पैसा कमाती हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट के हिसाब से ही यहां पर इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न या इंटरेस्ट मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। दूसरी बात, जो फंड मैनेजर होते हैं, जो हमारे फंड को या पैसे को जो मैनेज करते हैं, इनको इस क्षेत्र के बारे में पूरी नॉलेज होती है, पूरी जानकारी होती है, इनको पता होता है गवर्नमेंट की किस स्कीम का किस म्यूचुअल फंड कंपनी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इन चीजों के बारे में इनको पूरी जानकारी होती है। सबसे बड़ी बात, जो AMC है, जो हमारे फंड को जो मैनेज करती है, उन्होंने जो फंड मैनेजर रखा हुआ है वो इसलिए रखा हुआ है कि वो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को ग्रो करें, हमारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, हमारी इन्वेस्टमेंट से हमारे लिए अच्छा रिटर्न या इंटरेस्ट प्रोवाइड करें, इन्वेस्टर के पैसे से इन्वेस्टर को पैसा कमा कर दें, इसलिए AMC ने फंड मैनेजर को रखा हुआ है। सीधी सी बात है, यदि फंड मैनेजर अच्छा काम करेगा, इन्वेस्टर फंड मैनेजर से खुश हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट से खुश हैं, तो AMC फंड मैनेजर को रखती हैं। यदि फंड मैनेजर हमारी इन्वेस्टमेंट को लॉस में ले जाते हैं तो AMC फंड मैनेजर को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं, उसकी जगह दूसरा फंड मैनेजर अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। सबसे पहले प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो इस सिस्टम को मैनेज करते हैं उनको इस क्षेत्र के बारे में पूरी नॉलेज, वो पूरी समझ होती है, मीन्स वो इस क्षेत्र के खिलाड़ी होते हैं, पूरी जानकारी होती है उनको इस क्षेत्र के बारे में। उनको कहीं ना कहीं ये भनक लग जाती है कि किस कंपनी के स्टॉक ग्रो करने वाले हैं या किस कंपनी के स्टॉक डाउन जाने के चांसेस हैं, इन चीजों के बारे में उनको कहीं ना कहीं भनक लग जाती है। जैसे ही उनको पता चलता है जिस कंपनी के स्टॉक ग्रो करने के चांसेस होते हैं, वहां से वो अपने जिस कंपनी के डाउन जो स्टॉक है वो डाउन जाने के चांसेस होते हैं, वहां से वो अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालकर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, मीन्स इनके बारे में उनको पूरी समझ में पूरी जानकारी होती है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी मीन्स जिस तरीके से हमारा सेविंग अकाउंट है बैंक में, उसकी हमारे पास पासबुक है, उसमें पूरी डिटेल है हमारे पास, मीन्स बैंक में हमने कब पैसा डाला, कितना रिटर्न मिला और कब मिला। ठीक उसी प्रकार म्यूचुअल फंड के भी हमारे पास पूरी डिटेल हमको मिलती रहती है हमारे ईमेल जीमेल पर। लिक्विडिटी मीन्स तरलता बोलते हैं, जिस तरीके से हमको बैंक में पैसा कभी भी डालने की पूरी लिक्विडिटी है, पूरी तरलता है, कभी भी हम अपना पैसा बैंक में डाल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा कभी भी डाल सकते हैं और कभी भी अपना पैसा वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का जो सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन मीन्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहां पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड है, किसी एक कंपनी में वो इन्वेस्ट ना हो करके लगभग 40-50 कंपनियों के अलग अलग स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट है। अब आज तक भारत के इतिहास में ऐसा तो हुआ नहीं है कि सर सारी की सारी कंपनियां लॉस में जाएं, सारी की सारी कंपनियां अच्छा बिजनेस या अच्छा पैसा ना कमाएं। हो सकता है इनमें से दो चार कंपनियां अच्छा काम ना करें, बट बाकी कंपनियां अच्छा काम करती हैं, अच्छा बिजनेस करती हैं। और इस तरीके से म्यूचुअल फंड में यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उसको अच्छा रिटर्न मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, सेकंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं वहां पर इन्वेस्टर को पूरी लिक्विडिटी होती है, पूरी तरलता होती है, कभी भी अपना पैसा वो म्यूचुअल फंड में डाले और कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करे। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर है उसके लिए एक मैच्योरिटी के लिए एक डेट एंड टाइम फिक्स कर दिया जाता है, उससे पहले वो अपना पैसा वहां से विड्रॉ नहीं कर सकता। जैसे क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का एक एग्जांपल है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसको ELSS भी बोलते हैं। ELSS में यदि हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हमारा पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, 3 साल से पहले हम अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अब जो म्यूचुअल फंड है उसको इन्वेस्टर के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, मींस जो म्यूचुअल फंड है वो कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टर के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है। क्यों? क्योंकि हम में से कुछ इन्वेस्टर या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो 1% रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न या इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टर ऐसे हो सकते हैं जो रिस्क फ्री, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो रिस्क फ्री रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं।
या हम में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास पैसा बहुत कम है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है और वो पैसा उनके उनके लिए बहुत समय के लिए उनके पास फ्री भी है। तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, बैलेंस म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर की 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्ट की जाती है। मींस इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट की जो जिन कंपनियों में वो पैसा इन्वेस्ट है उन कंपनियों की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। बैलेंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 50% जो उसका पैसा है उस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। 50% पैसा जो गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो वहां पर वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। उसी प्रकार डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का 90% पैसा जो गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट ऋण कमर्शियल पेपर होते हैं जो वहां पर वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टर 1% रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न या इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। जो लोग थोड़ा कम रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं वो अपना पैसा बैलेंस म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। जो रिस्क फ्री रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहते, वो अपना पैसा डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कदम रखने के लिए हमको एक सबसे पहले डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। वैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी नहीं है, हम विदाउट डीमैट अकाउंट से भी हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मुझे आपको थोड़ा डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी देनी है। डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके माध्यम से हम दुनिया की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी डीमैट अकाउंट के माध्यम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट कहाँ पर ओपन करा सकते हैं? हमारे पास तीन ऑप्शन है डीमैट अकाउंट ओपन कराने के। फर्स्ट, जहां पर हमारा सेविंग अकाउंट है, जो भी हमारे आजू बाजू में बैंक है वहां पर हम अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सेकंड, ब्रोकर हाउस, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जो रजिस्टर्ड होते हैं जो ब्रोकर, आपके जो भी सिटी है, जो बड़े बड़े सिटी है आपके आजू बाजू में वहां पर ब्रोकर हाउस होते हैं, वहां पर भी हम अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है जो AMC होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, वहां पर भी हम अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए हमको जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो 2 ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटो और जो एक KYC परफॉर्म भरकर देना होता है हमको, नाउ योर क्लाइंट, वो भरकर डिपॉजिट करें। 8 दिन के अंदर अंदर हमारा डीमैट अकाउंट लगभग ओपन हो जाता है। हमारे पास एक ID और पासवर्ड रहता है। यदि हमको इस क्षेत्र के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी है, पूरी समझ है, तो हम डायरेक्ट भी यहां पर कदम रख सकते हैं। यदि हमको जानकारी नहीं है तो हम किसी भी ब्रोकर के माध्यम से हम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। किसी भी बैंक के माध्यम से, बैंक में जाकर भी हम अपने लिए एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि म्यूचुअल फंड है जो आज महंगाई को बीट करने का, पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। बैंकिंग सेक्टर के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर में सेविंग के लिए ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? वैसे तो बैंकों के बारे में हम सारा कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, बट इनके नॉर्म्स एंड कंडीशन क्या है, RBI की गाइडलाइन क्या है, शायद हमको नहीं पता। बैंक में एक FD होती है जिसको फिक्स डिपोजिट बोलते हैं। लगभग हम और आप सभी को पता है कि बैंक में FD होती है। FD हम 1 साल के लिए भी कर सकते हैं और 8 साल के लिए भी कर सकते हैं, 10 साल के लिए भी कर सकते हैं। उसी प्रकार बैंक में एक RD होती है जिसके बारे में हमको या तो पता ही नहीं होता, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, या फिर बहुत कम लोगों को पता होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बैंक विजिट करते हैं, जब भी हम बैंक में अपने लिए कोई सेविंग के लिए कोई ऑप्शन तलाशते हैं, तो हमको मोस्टली बोला जाता है कि सर आप FD करा लो, फिक्स डिपॉजिट करा लो, FD आपके लिए अच्छा रहेगा। रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में या तो हमको बताया नहीं जाता या फिर बहुत कम बताया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फिक्स डिपॉजिट है वो बैंकों के फेवर में काम करता है और जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो क्लाइंट या कस्टमर के फेवर में काम करता है। मान लो हम कुछ अमाउंट की अपने लिए एक FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट हमारी बीच में ब्रेक होती है या टाइम से पहले पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में RBI की गाइडलाइन के अनुसार हमको प्रॉपर या पूरा इंटरेस्ट FD का नहीं मिलेगा। और यदि हम RD करते हैं,
आरडी हमारी बीच में ब्रेक होती है तो आरडी में बैंक हम पर 1% पेनल्टी लगाता है, बट 6.5-7% का इंटरेस्ट हमको फिर भी मिलता है। दूसरी बात, एफडी के लिए हमको एक मुश्त या इकट्ठा अमाउंट की जरूरत होती है, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक मुश्त या इकट्ठा अमाउंट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि हमारी तो अभी कोई जॉब भी नहीं है, हमारा तो अभी कोई बिजनेस भी नहीं है स्टूडेंट्स का, तो हम यदि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की सेफ्टी के लिए सेविंग करें तो क्या करें, ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आरडी है रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें गवर्नमेंट ने छोटी छोटी अमाउंट रखी है। मान लो हम पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वहां पर एक छोटी सी अमाउंट 10 रुपए से लेकर आगे जैसे भी हमारी कैपेसिटी या काबिलियत है 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 उसके हिसाब से हम रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा डाल सकते हैं। और यदि हम बैंक में अपने लिए आरडी करना चाहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बैंक में जो मिनिमम अमाउंट है वो है 100 रुपए, 100 रुपए से लेकर आगे जैसे भी हमारी कैपेसिटी या काबिलियत है उसके हिसाब से हम बैंक में भी अपने लिए रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एफडी की बजाय रिकरिंग डिपॉजिट अच्छा है। एक नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक में जिसको पीपीएफ बोलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पर हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की सेफ्टी के लिए पैसा डाल सकते हैं। पीपीएफ की सबसे अच्छी बात क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पर देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, खेती करता हो, किसान हो, मजदूर हो, एक्स वाई जेड कोई हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में वो अपने लिए एक अकाउंट ओपन करा सकता है। यहां पर कंडीशन है कि यहां पर एक व्यक्ति केवल एक ही अकाउंट ओपन करा सकता है। पीपीएफ में यदि मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो यहां पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, हम मतलब एक साल के अंदर अंदर हमको 500 रुपए पीपीएफ में डालना कंपलसरी है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। पीपीएफ अकाउंट का जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल का है, बट कई बार 15 साल से पहले हमको कई बार इमरजेंसी होती है तो उस कंडीशन में यहां से हम कुछ परसेंट पैसा, 50% पैसा, कुछ परसेंट पैसे यहां से हम विड्रॉ कर सकते हैं। 15 साल के बाद हम इसको 5-5 साल के लिए और भी एक्सटेंड या और भी बढ़ा सकते हैं। यदि इसके इंटरेस्ट रेट की बात की जाए पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट की, तो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं रहता, हर क्वार्टर पर 3 महीने में, हर 3 महीने में इसको वित्त मंत्रालय चेंज करता रहता है या रिवाइज करता रहता है। अगर करंट रेट की बात की जाए पीपीएफ की, तो लगभग 7.5% का पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है। पीपीएफ अकाउंट हम कहां पर ओपन करा सकते हैं, जो भी हमारे आजू बाजू में जो बैंक हैं या फिर जो पोस्ट ऑफिस हैं, वहां पर हम अपने लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो 2 आइडेंटिटी प्रूफ, 2 फोटो और 1 पीपीएफ अकाउंट ओपन कराने का जो परफॉर्मा है वो भरकर डिपॉजिट करें और अपने लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन कराकर अपने फ्यूचर की सेफ्टी के लिए यहां पर सेविंग स्टार्ट हम कर सकते हैं। बैंक में एक और अच्छा ऑप्शन है जिसको SSY मीन्स सुकन्या समृद्धि योजना बोलते हैं, खासकर जो गर्ल्स हैं या हमारे घर में जो छोटी बच्चियां हैं उनके लिए स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ये एक योजना है। हमारे घर में खासकर जो 10 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं स्पेशली उनके लिए ये एक गवर्नमेंट की ओर से एक योजना है, जिसमें हम अपने बच्चियों के फाइनेंशियल फ्यूचर की सेफ्टी के लिए या उनकी हायर एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ी रकम जुटाने के लिए या उनके ब्याह शादी के लिए एक बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करने के लिए हम पैसा सेविंग कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में जो मिनिमम अमाउंट है वो 250 रुपए है, मीन्स सुकन्या समृद्धि योजना में यदि हम अपने घर में किसी बच्ची के लिए, किसी 10 साल से कम उम्र की लड़की के लिए अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो हम 250 रुपए से ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब से पहले इसकी जो मिनिमम अमाउंट थी वो 1000 रुपए थी, 1000 रुपए हमको ये अकाउंट ओपन कराने के लिए जरूरत होती थी, बट कुछ समय पहले इसको गवर्नमेंट ने घटाकर 250 रुपए कर दिया है। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट मैंने बताया था इसमें बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने से पहले पहले हम ये अकाउंट कभी भी ओपन करा सकते हैं।
ये अकाउंट हम कहाँ पर ओपन करा सकते हैं? जो भी हमारे आजू बाजू में पोस्ट ऑफिस हैं, जो भी बैंक हैं, वहां पर हम SSY सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मैच्योरिटी टाइम इसका क्या है SSY का? खाता खुलने की तिथि से लेकर 21 साल तक इसको हम चालू रख सकते हैं। और यदि पेरेंट्स चाहें तो बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने पर यहां से हम 50% पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है SSY में अकाउंट ओपन कराने के लिए, वो बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट सबसे पहले, दो आइडेंटिटी प्रूफ पेरेंट्स के और दो फोटो, और जो एक अकाउंट ओपन कराने का परफॉर्मा मिलता है वो भरकर डिपॉजिट करें। और SSY में अपने लिए, अपने घर में जो छोटी बच्चियां हैं उनके फाइनेंशियल फ्यूचर की सेफ्टी के लिए अकाउंट ओपन कराकर उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को सेव करें। स्टॉक मार्केट की जो बेसिक नॉलेज है, एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से स्टॉक मार्केट में हम कदम रख सकते हैं, और जो हमारा पैसा है किस तरीके से यहां पे परफॉर्म करता है। हमारे देश में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक तो NSE, सेकंड BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेकंड BSE है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE 1996 को स्थापित हुआ था एंड BSE 1875 को। BSE जिसका ये प्रोग्राम है, मेरे बैक साइड में एक बैनर भी है BSE का, एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक मार्केट में एक्चुअली होता क्या है, यहां पर हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहां पर लिस्टेड हैं, उनके जो स्टॉक हैं उनकी यहां पर ट्रेडिंग होती है। यहां पर बेसिकली पैसा ट्रेड होता है या पैसे से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे यूरो हो गया, रुपी हो गया, डॉलर हो गया, इनकी यहां पर ट्रेडिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड ब्रोकर, थर्ड इन्वेस्टर। जो ब्रोकर होते हैं वो स्टॉक मार्केट के मेंबर होते हैं, स्टॉक मार्केट के सदस्य होते हैं। जैसा कि आजकल हमारे देश में बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के तौर पर काम कर रही हैं। स्टॉक मार्केट से स्टॉक ट्रेड करने के लिए सबसे पहले ब्रोकर के पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना कंपलसरी है, और इन्वेस्टर के पास डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है, उसके बाद हम स्टॉक मार्केट से स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। व्हाट इज अ शेयर? एक्चुअली शेयर है क्या, शेयर का अर्थ क्या है? शेयर का सीधा सा अर्थ है किसी भी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी या किसी भी कंपनी में आपका मालिकाना हक। मान लो कोई एक कंपनी है, उस कंपनी का कोई एक ओनर है, एक मालिक है, तो कंपनी के जो 100% स्टॉक हैं किसके होंगे? उस मालिक के होंगे। वही कंपनी मान लो पार्टनरशिप में है, कंपनी के दो ओनर हैं, तो कंपनी के 50-50% जो स्टॉक हैं दोनों ओनरों के होंगे। मान लो उस कंपनी के चार ओनर हैं, तो कंपनी के 50-50% जो 25% 25-25% चारों ओनरों के स्टॉक होंगे। यदि आपके पास उस कंपनी का एक स्टॉक है तो आपका उस कंपनी में 1% हिस्सा है, आप उस कंपनी के 1% के लॉस एंड प्रॉफिट में भागीदार हैं। आप कभी भी अपने स्टॉक या शेयर्स को, हिस्से को कभी भी सेल कर सकते हैं, कभी भी उस कंपनी के आप और स्टॉक ले सकते हैं। हम और आप सभी पैसा कमाते हैं, कम ज्यादा एक अलग बात है, बट सभी पैसा कमाते हैं। हमारे पास, हम करते क्या है एक्चुअली, हम अपनी इनकम में से, सभी की इनकम है, अपने खर्चे काटने के बावजूद हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा जरूर बचता है। उस पैसे का हम क्या करते हैं? उस पैसे को हम मोस्टली या तो बैंक में डालते हैं, FD RD में, या सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में, गोल्ड में या प्रॉपर्टी में, यहीं पर हम उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर हमारा पैसा महंगाई को भी बीट नहीं कर पाता। तो हमको अपना बचा हुआ पैसा ऐसे ऑप्शन में डालना है जहां पर हमारा पैसा देश का जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करते हुए हमारे लिए कम से कम अच्छा रिटर्न या इंटरेस्ट प्रोवाइड करता हो। ऐसे ऑप्शनों के लिए मैंने बताया था, जैसे म्यूचुअल फंड है, उसके अलावा स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं जिनके स्टॉक लेकर हम अपने फ्यूचर के लिए अपने डीमैट अकाउंट में लेकर रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में सारी की सारी कंपनियां अच्छी ही परफॉर्म करती हैं, अच्छा ही वो बिजनेस करती हैं, बट मैं सियोरिटी से कह सकता हूं कि कुछ कंपनियां जहां पर ऐसी होती हैं जो अच्छा काम करती हैं, अच्छा बिजनेस करती हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन है कुछ कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिन प्रोडक्ट्स की हम और आपको हमेशा जरूरत थी,
और हमेशा जरूरत है और आगे भी उन प्रोडक्ट्स की हमको जरूरत रहेगी। जैसे कोलगेट का कोई बिजनेस हो गया, साबुन का कोई बिजनेस हो गया, टूथपेस्ट या ब्रश का कोई बिजनेस हो गया, निक्कर का कोई बिजनेस हो गया, या सिगरेट का कोई बिजनेस हो गया, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम और आपको जरूरत है। तब तक हम और आप रहेंगे इस धरती पर, तब तक इन प्रोडक्ट्स की जरूरत हमको पड़ती रहेगी। तो ऐसी कंपनियों के स्टॉक लेकर हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की सेफ्टी के लिए लेकर अलग अलग कंपनियों के लेकर रख सकते हैं। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, इन फ्यूचर जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, जैसे जैसे कंपनी ऊपर की ओर जाएगी, उसके साथ साथ हम भी ग्रो करेंगे, उसके साथ साथ हमारा भी विकास होगा। तो हम अपने फ्यूचर की सेफ्टी के लिए यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसे ऑप्शन में करें जहां पर हमारा पैसा तेजी से ग्रो करता हो, महंगाई को बीट करता हो। डिस्पोजेबल इनकम, सभी पैसा कमाते हैं बट आज कोई भी अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा हैं और इनकम है जो कम है। सेविंग की बात करें तो सेविंग बाय डिफॉल्ट करते हैं हम। हम एक्चुअली करते क्या है, मान लो मेरी सैलरी 20,000 रुपया है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उस इनकम उस सैलरी में से सबसे पहले अपने घर के खर्चे पूरा करूंगा, जो बचेगा उसको हम सेविंग करते हैं, या फिर यही सोचते हैं कि अगली बार देखा जाएगा। जो डेवलप कंट्री हैं, जो यूरोपियन कंट्री हैं, वहां पर लोग बाग सबसे पहले अपनी इनकम में से सबसे पहले सेविंग करते हैं, बाद में खर्चा करते हैं। और करना भी हमको यही चाहिए, सबसे पहले हमको अपनी जो इनकम है उसमें से सेविंग करना है, बाद में अपने खर्चे मेंटेन करने हैं। स्पेंडिंग मनी कई बार हम एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं किसी प्रोडक्ट्स की, कई बार हमको जरूरत नहीं है फिर भी उस प्रोडक्ट को हम मार्केट से लेकर अपने घर पर ले आते हैं, क्या सोचकर कि सर छोटी सी अमाउंट है, इस अमाउंट से होता क्या है। या फिर हम कई बार क्या करते हैं, मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट पर साफ साफ लिखा हुआ है प्राइस 25 रुपी, और हम उस प्रोडक्ट को कई बार 25-30 रुपी में परचेज करते हैं, ये सोचकर कि सर छोटी सी अमाउंट है, इससे होता क्या है। सबसे पहली बात तो जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये देश का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको बढ़ाती हैं। दूसरी बात, यदि जो जिसको हम छोटी सी अमाउंट बोल रहे हैं, यदि इस छोटी सी अमाउंट को हम एक अच्छे ऑप्शन में डालते हैं, रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालते हैं, तो सर ये छोटी सी अमाउंट को हम एक बहुत बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन की बात करें, टैक्स हमको भरना चाहिए, टैक्स भरना अच्छी बात है। यदि हम टैक्स भरेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचेगा और गवर्नमेंट हमारे लिए सुविधाएं अवेलेबल कराएगी। हमारे देश में टैक्स भरने से लोग बाग डरते हैं, टैक्स भरना अच्छी बात है, टैक्स हमको भरना चाहिए। हमारे देश में सबसे ज्यादा टैक्स भरते कौन है, हमारे देश में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं, एक तो लोअर इनकम ग्रुप, सेकेंड मिडिल इनकम ग्रुप, थर्ड हायर इनकम ग्रुप। लोअर इनकम ग्रुप में उस कैटेगरी के लोग आते हैं जिनको सुबह खाना मिल गया, शाम की पता नहीं उनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिडिल इनकम ग्रुप में हम और आप आते हैं, हायर इनकम ग्रुप में वो बड़े लोग, नेता लोग, मंत्री लोग, जिनके पास सीए एंड एडवोकेट हैं एडवांस में, वो हायर इनकम ग्रुप में आते हैं। हायर इनकम ग्रुप या तो टैक्स बहुत ही कम भरता है या फिर भरता ही नहीं है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो टैक्स पे करता है, जो सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं, वो मिडिल इनकम ग्रुप है। और टैक्स हमको भरना भी चाहिए। टैक्स भरने का सबसे बड़ा हमारे लिए फायदा क्या है, हमारे पास टैक्स भरने से एक आइडेंटिटी प्रूफ रहता है। उस आइडेंटिटी प्रूफ के आधार पर हमको जब भी इन फ्यूचर पैसे की जरूरत होती है या इन फ्यूचर पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं या बैंक हमें लोन भी प्रोवाइड कर सकता है। तो टैक्स हमको भरना चाहिए, टैक्स भरना अच्छी बात है। सर आपका थैंक यू सीमा मैम। हाँ जी सर, हाँ जी। गायत्री जोशी से मेरी आवाज गायत्री जोशी तक पहुंच रही है, तो मैम आप यस सर, यस सर, को आगे बढ़ाएं। जी मैम, हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ जी सर, जस्ट अ मिनट। फखरुद्दीन सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे बच्चों को इतनी आसान भाषा में और सरल शब्दों में बताया कि इन्वेस्टमेंट मार्केट क्या होती है
और किस कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं वो उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या क्या चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. नाउ आई इन्वाइट श्रीमती गायत्री जोशी फॉर हर वैल्यूएबल वर्ड्स. मैम माय पीपीटी इज विजिबल? यस मैम, यस मैम, यस मैम. ओके ओके मैम. मैम आप ना F5 प्रेस कर दीजिए ताकि ये पूरी स्क्रीन पर आ जाए. श्योर मैम. स्क्रीन शो. यस यस मैम, नाउ इट इज ओके. ओके मैम, थैंक यू. तो सर ने काफी अच्छा शब्दों में कहा था, इजी वर्ड्स में बस समझाया कि किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करते वक्त कौन से ऑप्शन हमारे सामने हैं. लेकिन आज हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने क्यों चाहिए. तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट यू करनी चाहिए कि इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं महंगाई, महंगाई तो दिनों दिन बढ़ती जाती है. तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या इस महंगाई के साथ में चलने के लिए हमें निवेश करना जरूरी है, इन्वेस्ट करना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए है और उस 1,00,000 रुपए को मैंने घर में ही संभाल के रख दिया, 2 साल बाद में मैं तिजोरी खोलती हूँ तो मुझे वहां पर कितना रुपया मिलता है? SGT जितना मैंने रखा था उतना ही. मतलब 1,00,000 रुपए मैंने रखा था तो मुझे 1,00,000 रुपए वापस 2 साल के बाद में वहां पर मिलेगा. लेकिन आज मैं 1,00,000 रुपए के अंदर जितना सामान मार्केट से खरीद पा रही हूँ, क्या अगले 2 साल बाद में उतना ही सामान उन 1,00,000 रुपए के अंदर खरीद पाऊंगी क्या? तो नहीं खरीद पाऊंगी, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो ये महंगाई का जो गैप आता है हमारा, इसको कम करने के लिए मुझे निवेश करना जरूरी है. अगर मैं इस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करती हूँ, इस 1,00,000 रुपए को घर में ना रखकर इसको कहीं ना कहीं मैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में अगर इन्वेस्ट करती या कहीं और भी ऑप्शन, जैसे सर ने बताया बहुत सारे ऑप्शन, इन ऑप्शन में अगर इन्वेस्ट करती तो क्या होता, तो वहां पर मुझे कहीं ना कहीं जाकर एटलीस्ट इन्फ्लेशन बीट कर सके, इतना मुझे कम था मेरा पैसा वहां से रिटर्न हम मेरे को कमा के दे सकता था. फिर आता है रिटायरमेंट प्लानिंग, कि मुझे निवेश क्यों करना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए. जैसे बचपना तो हमारा निकल जाता है हंसते खेलते में, और यंग एज के अंदर हम लोग खुद मेहनत करते हैं, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, तो खर्च करते हैं. लेकिन जब मैं रिटायर होऊंगा तब क्या मेरे खर्चे कम हो जाएंगे क्या? नहीं, तो खर्चे तो मेरे उस टाइम पे भी इतने ही रहेंगे बल्कि बढ़ेंगे, मतलब मेडिसिन के खर्चे हमारे उसके ऊपर एड होने वाले हैं. तो मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मुझे निवेश करना जरूरी है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो तब मेरे खर्चे में कैसे पूरे करूंगा, उसके लिए मुझे अभी से प्लानिंग करनी होती है और उसके लिए मुझे निवेश करना बहुत जरूरी होता है. फिर होता है अनप्लान एक्सपेंसेस, जिनकी मैंने प्लानिंग ही नहीं करी हो, जैसे मेडिकल इमरजेंसी आ जाना या कुछ ऐसे खर्चे, जैसे क्वारंटाइन ले लीजिए, इसकी हम लोगों ने प्लानिंग नहीं करी थी कि हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लानिंग हमें ऐसे खर्चे हमारे चाहिए क्या. तो ऐसे अनप्लान एक्सपेंसेस के लिए भी मुझे निवेश करना जरूरी है, जो अगर अचानक मेरे सामने खर्चे आ गए तो मुझे उनको भी पूरा करना पड़ता है. फिर होता है लग्जरी स्पेंडिंग्स, आजकल हमें नॉर्मल लाइफ जीना अच्छा नहीं लगता है, हमें थोड़ी सी लग्जरी लाइफ जीना अच्छा लगता है, जैसे अच्छी जगह घूमने जाना है, अच्छे होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाना है, टूर भी हमें इंडिया का टूर नहीं करना है, फॉरेन कंट्री का टूर करना है. तो ऐसे हमारे कुछ जो लग्जरी स्पेंडिंग्स होती हैं उनके लिए भी हमें निवेश करना जरूरी है. तो हम ऐसे अगर निवेश करने में ध्यान देते हैं अगर, तो शायद ड्रीम्स है ये, हमारे गोल्स है, ये सब हम लोग पूरे कर सकते हैं. सर ने जैसे बताया वैसे हमें ये फॉलो करना पड़ेगा कि पहले इनकम करो, उसके बाद सेविंग, एक्सपेंसेस नहीं करके उसके बाद सेविंग करो, उसके बाद जो पैसा बच रहा है हम उसको एक्सपेंडिचर में निकालें. तो होता है कि जितना हो सके उतना हम लोग जल्दी स्टार्ट करें अगर, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो अर्ली एज में, तो आपको उसका फायदा ज्यादा मिलता है. वो कैसे, कि देखिए 25 की एज में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ज्यादा हम लोग नहीं मानते हैं, 1,000 रुपए आप हर महीने आप अगर बचत कर रहे हो और रिटर्न मिल रहा है आपको 8% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, और 60 साल तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप 25 की एज में स्टार्ट करते हो तो आपने इन्वेस्ट कितना किया, तो 4,20,000 रुपीज के आसपास. और आपका जब पैसा बन रहा है 60 साल के बाद, वो बन रहा है 23,09,185 के आसपास. तो कहने का मतलब वही, अगर आपने 5 साल लेट किया, 25 की जगह 30 पे अगर आपने स्टार्ट किया, तो आपका पैसा तो आपका इन्वेस्ट हो रहा है 3,60,000 के आसपास, आपका पैसा बन रहा है 15 लाख के आसपास.
मतलब आपके डबल आपके अमाउंट की उसका फर्क वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। वही अगर आप थोड़े और 5 साल और लेट हो गए, 35 की एज में आप स्टार्ट करते हो, तो भी आपको अमाउंट, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो आपकी कम चेंज होती है, लेकिन जो रिटर्न आपको मिलने वाला होता है वो आपका बहुत बड़ा डिफरेंस इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। वो 40,000 रुपीज 40 एज में अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप 2,40,000 के आसपास इन्वेस्ट करते हो और आपको रिटर्न बनता है 5,92,000 के आसपास, मतलब 6 आसपास। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर 5-5 साल भी अगर आपने लेट किया तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन जो रिटर्न मिलने वाले अमाउंट है वो आपके जरूर आपकी चेंज होने वाली है। तो आप अगर ऐसा गैप देखते हो, इसको हम लोग बोलते हैं कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो उतना ही आपको रिटर्न ज्यादा, आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। वो कैसे? तो वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट की वजह से, ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज अगर आपको मिलता है तो आपको ये सारा गैप आपको वो फुलफिल कर देता है। तो इस तरह से हम लोग निवेश करते वक्त अगर हम लोग ध्यान दें तो हमें ये पैसा हमारा अच्छा बन सकता है और अच्छा हमारे हमारी लाइफ इसके अंदर हो सकती है। इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी करो, बस आपका गोल एक फिक्स होना चाहिए और जब भी आप स्टार्ट करो तो वो आपका कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे अब इतने साल का हो गया मैं तो अब स्टार्ट करूँ क्या, ऐसा नहीं है। जब आप जागो तब सवेरा है, जब आप कभी भी आप लेट नहीं हो, जब भी आप स्टार्ट करो तो वो आपका सही टाइम पे ही स्टार्ट होता है। ये सारे ऑप्शन हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के भी लिए थे, इक्विटीज वगैरह, म्यूचुअल फंड। एक लास्ट में आपको एक ही ऑप्शन बताना चाहूंगी कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कभी भी आपका एक गोल फिक्स करिए कि मुझे किस गोल के अकॉर्डिंग मुझे इन्वेस्ट करना है। अगर आपका गोल फिक्स क्लियर है तो आप उसी अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड भी खरीदते वक्त भी आपको स्टेप्स है जो आपको चूज करनी पड़ती है, तो ये स्टेप्स आप चूज करके एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के आप अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सारे ऑप्शन अपने अपनी जगह पे सही है, बस हमें डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए। कभी भी हमें ग्रीडी नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है, और कहीं ऐसी फ्रॉड स्कीमों में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है जहां से हमारा पैसा वापस हमें मिले ही ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक लास्ट एग्जाम्पल देना चाहूंगी, हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं क्या, किसी पढ़ाई करते हैं? मैम हमने इनको ना इंस्ट्रक्शंस दी है कि माइक ऑफ रखेंगे, अदरवाइज ये सारे शुरू हो जाते हैं। ओके ओके। तो एक 4-5 साल पहले एक मूवी आई थी फिर हेरा फेरी, जिसमें हीरो था सुनील शेट्टी था, बिपाशा बसु थी। तो उस मूवी का स्टोरी क्या था, उस थीम क्या था? तो एक लक्ष्मी चिटफंड कंपनी थी जिसमें वो निवेश करने के लिए मोटिवेट करती है, और अगर हम लोग देखें तो वो 21 दिन में डबल करके देने वाली थी, लेकिन जब 21 दिन बाद अब क्या हुआ कि वहां पर वो जो कंपनी थी वही वहां पर उनको नहीं मिली। तो कहने का मतलब कहां कभी भी हमें ग्रीडी नहीं बनना है। वो बोलते हैं ना कि पेड़ के ऊपर पैसा नहीं लगता है, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखनी है हमें। तो उससे क्या होगा कि जो एक्सपेक्टेशन हमने रखी है वो हमारी पूरी भी हो सकती है। कभी अगर हम लोग ग्रीडी बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा वहां पे हम लोग पूरा डुबा सकते हैं, पूरा खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे हमें ग्रीडी बनके हमको रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखे, जो ऑप्शंस गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है उन्हीं ऑप्शन में हमें निवेश करना है, और बेस्ट और सिक्योर हमें निवेश करना है। नाउ इनफ मैम, इट्स ओके, थैंक यू। नाउ एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव स्टूडेंट्स? यस मैम, स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम आपकी तरफ से जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं उनसे पूछ लेंगे। और अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो अपना नाम लिख दीजिए, मैं 1 by 1 आपको कॉल कर लूंगी। जो भी स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दो या अपना क्वेश्चन लिख लो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। सीमा मैम, एक बीकॉम फर्स्ट ईयर की एक मीटिंग क्रिएट करो आज, इनको टाइम टेबल और थोड़ी सी जनरल इंस्ट्रक्शंस देनी है। इस वाली मीटिंग में फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट बच्चे हैं, एक बार हमारे रिसोर्स पर्सन लास्ट में एग्जिट करेंगे, देन वी विल टॉक टू देम। एक मीटिंग है मैम, तो मैं नहीं जुड़ पाऊंगी उसके उस टाइम में, इसलिए मैं कह रही थी कि हम क्या अलग से मीटिंग कर सकते हैं। आई हैव क्रिएटेड मैम, आई हैव क्रिएटेड दिस लिंक टिल 3 PM, वी विल जॉइन। ओके ठीक है जी, ठीक है ठीक है, स्टूडेंट को एक टाइम दे देंगे हम। अब ये टाइम क्या हुआ है हमारा, वैसे कर सकते हैं 10 मिनट की मीटिंग कर लेते हैं, इसके बाद मैं थोड़ा मीटिंग को 10 मिनट लेट कर लेती हूँ। हाँ जी मैम, ठीक है, ओके ओके। स्टूडेंट्स आप लोग लेफ्ट नहीं करेंगे,
स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जब तक हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है उसके बाद भी आप लेफ्ट नहीं करेंगे अनलेस कि हम आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। अगेन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी भी क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का, किसी फैकल्टी मेंबर का, तो वो प्लीज सर से पूछ सकते हैं, मैडम से पूछ सकते हैं। सर आई थिंक आपका लेक्चर इतना समराइज्ड और सिंप्लीफाइड था कि सब लोगों को बात आपकी समझ आ गई है। गायत्री मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि स्टूडेंट्स को या हमें जब भी इन्वेस्ट करना है कभी भी तो ग्रीडी नहीं होना। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। हर्षद मेहता स्कैम 1992 में आया था और आजकल तो ना उससे रिलेटेड जो है वो मूवी बनी हुई है, मतलब एक तरह से उसकी ऑनलाइन वेब सीरीज है। मैंने अभी रिसेंटली उसको पूरा देखा और एक्चुअली में उसमें यही समझाया गया कि हमें गवर्नमेंट के नॉर्म्स के में रहकर के इन्वेस्ट करना है, प्रोटोकॉल्स में रहकर इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज जो एंड है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होगा। ऐसा नहीं होता कि हम ओवर स्मार्ट बनकर इन्वेस्ट करते जाएंगे और अपनी लालच को पेसिफाई करते जाएंगे और कभी पकड़ में नहीं आएंगे, इट्स लाइक इम्पॉसिबल। उस वक्त तक सेबी इतना जो 1992 में था वो इतना स्ट्रांग बॉडी नहीं थी, बट अब तो सेबी को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई हैं और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव रहती है, इसलिए हमें रूल्स रेगुलेशंस में रहते हुए ही अपनी इन्वेस्टमेंट को करना है। बहुत सही कहा मैम आपने, थैंक यू सो मच गायत्री मैम एंड थैंक यू जफरुद्दीन सर। नाउ आई फॉर्मली नाउ आई इनवाइट मिस कोमल गर्ग टू प्रेजेंट वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू मैम। ऑनरेबल की स्पीकर्स मिस्टर जफरुद्दीन एंड श्रीमती गायत्री जोशी, फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनर बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड रिसोर्स पर्सन एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम डॉक्टर मीनाक्षी, चीफ प्रॉक्टर बीरेंदर मैम, कन्वीनर एंड को कन्वीनर ऑफ द वेबिनार, मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। इट इज अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स ऑन दिस डे। सो On behalf of the college fraternity, firstly, I would like to express my deep sense of gratitude and thankfulness to our highly esteemed and most dynamic resource persons, Mr. Jafruddin and Shrimati Gayatri Joshi, for sparing their valuable time and nurturing the young minds with the knowledge of awareness of various investment opportunities and associated risks. I also want to utilize this moment to express my appreciation for our most efficient and dynamic principal, Dr. Meenakshi ma'am, for supporting and cooperating us at every level for the welfare of the institution. My sincere thanks is also due to the chief proctor of the college, Dr. Birinder Kaur ma'am, who have graced this occasion with her presence and standing with us as pillars of strength. Thanks to our convener, Mrs. Seema ma'am, co-convener, Mr. Vinay sir, and members of organizing committee for choosing such a relevant topic and for their sincere efforts to make this event a success. Special thanks to Vinay sir for technical assistance and managing it in a great way. Last but not the least, I also want to thank all my dear students for engaging with us, showing immense patience and interest in attending the lecture. I hope we all will be benefited with this. Thank you. Thank you once again. Thanks a lot everyone. Sir Jafruddin sir and Gayatri ma'am, now you can leave the meeting. Thank you. Okay. Ma'am. Thank you so much and thank you sir, thank you so much. Thank you ma'am, bye. Thank you so much ma'am, thank you. Ek meeting se karu 10 minute ki fir apna karte hain. Meenakshi ma'am, hamare source person ne exit kar diya hai. हम लोग ही हैं। मैं एक बार ना फर्स्ट ईयर के ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ कि वो जो कुछ बच्चे लेफ्ट कर गए थे वो दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक है मैम। कोमल मैम, एक हमने फॉर्म बनाया था गूगल फॉर्म जिसके अंदर हमने स्मार्ट फोन का डाटा कलेक्ट किया था, तो एक तो आज बीकॉम फर्स्ट ईयर के ग्रुप में वो जो आपका स्मार्टफोन डेटा की जो गूगल फॉर्म है वो शेयर कर दो ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए कि कितने बच्चे जो हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं फ्यूचर में। मीनाक्षी मैम, अगर हाँ जी, रोल नंबर्स आ चुके हैं मैम इनके बच्चों? रोल नंबर ये मेरे को लगता है आ चुके हैं मैम, मैं देखती हूँ, वैसे अभी पता नहीं किया मैंने। आज नोडल ऑफिसर छुट्टी पे हैं तो मैं एक बारी पूछती हूँ यहाँ पे अरुण से, और होंगे तो फिर वो उसकी लिस्ट जो है वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। मैम
मैम एक्चुअली मैं ये चाह रही थी अगर आप समझे कि जब इनके रोल नंबर आ जाए ना तो हम जो स्मार्टफोन का डाटा कह लीजिए या कुछ भी तब हम इनसे रोल नंबर वाइज ले लेंगे सो दैट नेम रोल नंबर ईमेल आईडी सब कुछ दोबारा आ जाएगा हाँ ठीक है ठीक है ये मैंने ध्यान नहीं दिया ठीक कह रहे हैं बिल्कुल यदि होगा यदि मिल गया होगा तो आज सबसे पहले हम शेयर कर देंगे उनके रोल नंबर्स और रोल नंबर के बाद ये नोट कर लेंगे बच्चे और फिर अपना गूगल फॉर्म भर सकते हैं yes, yes, ठीक हाँ जी मैम बच्चे मैंने मैसेज तो डाल दिया है सम स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग लेट्स वेट 1-2 मिनट मोर एंड देन वी विल स्टार्ट ओके मैम कौन कौन टीचर जो है उन्हें क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और ऑनलाइन मीटिंग का जो उसके लिए हमारे पास इनकी आईडी आ जाएंगी तो हम इनकी आईडी पे भी भेज सकते हैं वो लिंक और या फिर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं यस मैम हम इनको मैम अभी थोड़ा सा बता के बाकी हम क्लास में भी मतलब ग्रुप में भी शेयर कर देंगे इनका टाइम टेबल जी 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 मैम हाँ जी ठीक है थोड़ा सा आपके पास टाइम टेबल है तो बता सकते हैं आप अभी स्टूडेंट को यस मैम मैं सब्जेक्ट्स तो बताई दूंगी सब्जेक्ट या फिर मैं हम सब टीचर्स बता देते हैं अपने आप कि कौन टीचर क्या पढ़ाएगा ठीक है हाँ जी तो मैं ही स्टार्ट करूँ अपना यस हाँ यस मैम मीनाक्षी मैम आप शुरू कर दीजिए हाँ जी हाँ हेलो स्टूडेंट्स मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक जो है उस पेपर को जो है पढ़ाऊंगी तो जब तक हमारा ऑफलाइन का स्टार्ट नहीं होता हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों ने उस वीडियो को देखना है या ऑनलाइन लेक्चर है तो वो ऑनलाइन लेक्चर सुनने हैं आज ही मैंने आपके ग्रुप में जो हमारे डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से यूट्यूब वीडियो जो है आपकी वो मैंने अभी आपके साथ लिंक शेयर किया है तो जियो टीवी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने फोन पे किसी बच्चे के पास यदि जियो नंबर नहीं है तो वो अपने किसी साथी से बोरो कर सकता है उसका नंबर डाल के वो जियो ऐप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इसमें ओटीपी मांगा जाएगा तो जिस बच्चे से आप बोरो कर रहे हैं जियो नंबर उसके से ओटीपी लेके आप अपने जियो टीवी ऐप को चला सकते हैं तो इसमें शेड्यूल दिया हुआ है कि कितने से कितने बजे तक आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के लेक्चर लगेंगे तो बेटा आप लोग जो है यदि आपके डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से इतने प्रयास हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको उसका फायदा उठाना चाहिए क्योंकि इतने डिफिकल्ट टाइम में बहुत ज्यादा ऑफलाइन क्लासेस आपकी नहीं लगेंगी आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है कि आपकी जो वीडियो आपके साथ शेयर की गई है या जो लिंक शेयर किए हैं आप टाइम निकाल के उन वीडियो को देखें क्योंकि वीडियोस आपके लिए ही बनाई गई हैं। इस डिफिकल्ट टाइम में टीचर्स ने जिस टाइम घर पे थे अपने घर के काम भी किए हैं दूसरी जो असाइनमेंट उनको दी थी कॉलेज की तरफ से वो भी बनाई और उसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं जिसमें वीडियो बनाई गई हैं। और आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टीचर के पास भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपके रिसोर्सेज आपके पास स्केर्स रिसोर्सेज थे उसके बावजूद भी टीचर ने यदि मेहनत की है तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो मेहनत करके टीचर ने वीडियोस बनाई है तो उनको वॉच करें उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे ग्रुप में लिख सकते हैं कि इस टॉपिक में इस पर्टिकुलर जगह पर आपको दिक्कत आ रही है तो आप टीचर से बात कर सकते हैं वीडियो कॉल कर सकते हैं तीन या चार स्टूडेंट जिनकी सेम प्रॉब्लम होगी तो हम उनसे वीडियो कॉल करके कॉन्फ्रेंस कॉल करके उनको समझा सकते हैं तो हमें अपने आप रास्ते निकालने होंगे क्योंकि ऐसा कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता कि हम आपको पढ़ा पाए जो हमारे पास जिस तरह से हम पहले ट्रेडिशनली पढ़ा रहे थे तो हमें देखना है कि क्या डिफिकल्टी आती है डिफिकल्टी को देखते हुए फिर देखना है कि उसका कौन सा रास्ता है जिससे कि हम पढ़ पाए तो आपने उसके जो सजेशन भी देने हैं कि मैडम हम इसको ऐसे और इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप मैडम सीमा मैडम आप बताएंगे अपना सब्जेक्ट के बारे में
यस मैम, थैंक यू मीनाक्षी मैम. आपने जो स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया यूट्यूब की वीडियोस के बारे में, हम टाइम टू टाइम इनको ना मैम बाकी मैसेजेस में मैंने इनको आज बताया है कि इनके जो भी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन होगी वो इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम टाइम टू टाइम डिलीवर करते रहेंगे. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. हम बच्चों के फोन भी अटेंड कर लेते हैं अगर इमरजेंसी हो, पर इनको पैनिक नहीं करना है. अभी इन लोगों को थोड़ा सा मैंने ये चीज समझाई थी मैम शुरू में. अब मैं इनको टाइम टेबल शेयर करती हूँ मैम. मेरे पास मैंने स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैम, क्योंकि मैंने खोल लिया है जी. इनको साथ ही दिखा. ठीक है मैम. मीनाक्षी मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल है मैम, विजिबल है. ओके ओके मैम, ओके ओके. स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो है वो मैंने यहाँ पर टाइम टेबल खोला हुआ है. सबसे पहले बीकॉम फर्स्ट ईयर ए और बी हमने दो सेक्शन बच्चे बनाए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम इनको कंबाइंड ही लेंगे. पर अभी जो फर्स्ट पीरियड है आपका वो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का होगा. आप देखेंगे यहाँ पर जो कि प्रीति मैम लेंगी आपका 9 बजे. इसके साथ पैरेलल में मैथ्स का पीरियड है आपके पास, बिजनेस मैथ्स का. ये हम आपको बाद में इंटीमेट करेंगे कि हम इसको आगे पीछे कहाँ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इकट्ठा नहीं लग रहा दोनों सेक्शंस का, तो ये हम आपको बता देंगे. अदरवाइज जो यहाँ से देखें अगर हम 10:30 से लेकर 11:15 का जो पीरियड है ये मीनाक्षी मैम लेंगे, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का है. दोनों सेक्शंस का कंबाइंड यानी कि जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे इकट्ठे ही ज्वाइन करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर जो 11:15 से 12 बजे का है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होगा, ये कोमल मैम लेंगे. दोनों सेक्शंस का अगेन ऑनलाइन कंबाइंड ही होगा ये. नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 5th पीरियड है, विनय सर लेंगे इकोनॉमिक्स का. उससे नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल ऑनलाइन अभी पॉसिबल नहीं है, अगर कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे. बिजनेस कम्युनिकेशन का जो थ्योरी पेपर है वो मैं लूंगी, सीमा पांडे, 7th पीरियड में 1:30 से लेकर 2:15 बजे तक. लास्ट जो पीरियड है वो कंप्यूटर और बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल्स हैं जो अभी आपके नहीं लगेंगे. जो शुरू में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर्स हैं ये आपके थ्योरी पेपर्स हैं, ये आपके लगेंगे. आपको ऑनलाइन इसका जो है वो पढ़ाया जाएगा. और वैसे लेटर आया हुआ है कॉलेज में 16 नवंबर से, शायद ऑनलाइन मतलब जो आप लोगों को कॉलेज ही बुला लिया जाए. पर अभी उसके बारे में जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जैसा भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आप लोगों को शेयर कर देंगे. मेरे ख्याल से मैम टाइम टेबल तो इतना ही था. हाँ मैम, थोड़ा ये बता सकते हैं कि मैनेजमेंट और अकाउंट्स इन्होंने जो प्लस टू में पढ़ा है ऑलमोस्ट वही सिलेबस है इनका? यस यस मैम. हाँ तो ये थोड़ा सा घर में भी उसको पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है डिफिकल्टी नहीं आएगी, खासकर अकाउंट्स के. तो जर्नल एंट्री और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो ये पढ़ना स्टार्ट कर दें. डीके गोयल की बुक है मेरे ख्याल से मैम, कोमल मैम बताएंगे. कोमल, डीके गोयल की बुक ही रेफर करनी होगी. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है, जो क्लास 12th में आपने डीके गोयल राइटर की बुक पढ़ी है, सेम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको वही बुक लेनी है. ये इसके घर का लेवल आप और वो बुक परचेज कर सकते हैं. अभी हम आपको इसका मैसेज भेज रहे हैं वैसे सेम. ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन की, हां वीके पब्लिकेशंस की स्टेशन कुशल की बुक आई है, ये मैं आज पूरा प्रॉपर बना के बेटे आपको ना ग्रुप में भी भेज दूंगी. ठीक है, पूरा हर सब्जेक्ट का एक बार टीचर से डिस्कस करके कि वो कौन सी बुक रेफर करने वाले हैं, सब्जेक्ट प्लस बुक का नेम आज शाम तक आपके ग्रुप में डल जाएगा, पब्लिशर के नेम के साथ, ऑथर के नेम के साथ. फिर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से. वैसे ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो बुक्स हैं वो स्ट्रिक्टली इसलिए नहीं होती कि आपने यही पढ़नी है. कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे थोड़ा सा वेरिएशन होता है. दीज आर जस्ट फॉर रेफरेंस बुक्स कि ठीक है आप पढ़ लो. ठीक है, इसलिए हम आपको कोई पर्टिकुलर पब्लिशर प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आपने यही खरीदनी है, डीके गोयल ही खरीदनी है. देयर आर मेनी बुक्स, वेरियस बुक्स ऑन दीज सब्जेक्ट्स. आप उनको अलग अलग से भी पढ़ सकते हो. लेके मेन मोटिव होता है कि हमने अपना सिलेबस प्रिपेयर करना होता है. ठीक है, तो जस्ट आपकी कंफर्ट के लिए कि जो आप लोग एक बार पढ़ के आप लोगों को समझ आ जाए चीजें, उसके लिए हम आपको ये बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं. और जो भी हम रिकमेंड करेंगे वो हम बता देंगे, बाकी आपकी मर्जी है. जिसमें आप कंफर्टेबल हो ऐसे वो खरीद सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं होती है. जो आपके लिए ठीक है हम तो बस आपको वो बताते हैं. मैम मुझे लगता है मैनेजमेंट की और अकाउंट्स की बुक खरीदने की इनको जरूरत नहीं है, वही वाली बुक चल जाएगी. हाँ जब ऑफलाइन शुरू होगा तब हम देख लेंगे कि कितना सिलेबस उसमें कवर हो रहा है. इनको सिलेबस भी शेयर कर देंगे आज हम. यस मैम कर देंगे. हाँ जी, यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी शेयर कर देंगे, रिकमेंडेड बुक्स एक बार रफ सा बता देंगे, बाकी जैसा इनको ठीक लगे ये देख लेंगे. टाइम टेबल बता दिया है, इसके बावजूद भी हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे. और इनकी कोई क्वेरी है तो ये पूछ सकते हैं.
इनसे मैम बल्कि थोड़ा फीडबैक लो कि इनको कैसा लगता है ऑनलाइन, आप कॉलेज में इन्होंने आए हैं ये लोग तो कुछ डिफरेंट लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो ये अपना उसमें मैसेज डाल सकते हैं मैम। हाँ बेटे, अगर आप लोगों ने आज जैसे फर्स्ट एक तरह से लेक्चर ही अटेंड किया है अभी फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर, ऐसे ही हमेशा लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है, हम आपको स्क्रीन शेयर करके सॉरी जो पीपीटी होगी या ऑनलाइन बुक्स हैं हमारे पास उनके थ्रू ही पढ़ाएंगे, तो आज वाले लेक्चर से थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लगती हैं। आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोग कंफर्टेबल हैं, आपको समझ आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग बता दीजिए सो दैट कि हम आगे भी जब प्लान आउट करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अपना रिस्पॉन्स आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अगर चाहो तो वन बाय वन माइक भी ऑन कर सकते हो, पर पहले अपना नाम लिख देना सो दैट कि हम वन बाय वन उनको बुला लें। अभी तो बच्चे बात करने को बड़े इंटरेस्टेड थे शुरू शुरू में, 71 वी आर 71, तो कोई भी बच्चा प्लीज अपना माइक ऑन करो और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। भूमिका, भूमिका आर यू देयर, भूमिका शर्मा? यस मैम आई एम हियर। ओके बताओ बेटे, आज का जो लेक्चर अटेंड करने के बाद आर यू कंफर्टेबल विद ऑनलाइन क्लासेस? यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टाफ मेंबर्स। गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम, ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसा ही था जैसा हम लाइव अपना ऑफलाइन में हमारा एक्सपीरियंस रहता है। बहुत ही समराइज लेक्चर था और हर एक पॉइंट उन्होंने क्लियर किया था। ठीक है भूमिका, नाइस हियरिंग यू। और ऐसा नहीं है कि आपने पॉजिटिव ही बताना है बच्चों, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम यू कैन ऑल्सो शेयर दैट। Anyone else? भावना सिंह, भावना सिंह आर यू देयर? 10% सीट्स बढ़ी हैं लेकिन अभी ऊपर से DHE से आएगा लेटर। भावना सिंह अपना माइक ऑन करो। भावना मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। भावना को लगता है आवाज नहीं जा रही या वो फिर रिस्पॉन्स देने में इंटरेस्टेड नहीं है। बेटे एक तो ना आपको अलर्ट रहना है कि जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने कैमरा ऑफ किया, माइक ऑफ किया और आप सो गए या अपना फोन किसी और को दे रखा है, उसने एक बार क्लास ज्वाइन कर ली, दैट्स इट। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम आपको किसी भी मूवमेंट पे कभी भी चेक कर सकते हैं, आपका माइक कैमरा ऑन करवा सकते हैं। आपको डिसिप्लिन में होके बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना है क्लासेस लगाने के लिए। ऐसे नहीं कि सोए पड़े हैं। मैं इतनी देर से भावना को आवाज लगा रही हूँ बट वो रिस्पांस नहीं कर रही है, दिस इज नॉट फेयर। हरप्रीत कौर, हरप्रीत कौर आर यू देयर? यस मैम। बताओ बच्चे एक बार कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या आप कंफर्टेबल हो ऑनलाइन क्लासेस में? यस मैम, बहुत अच्छा था आज का लेक्चर, बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर ने और मैम ने भी, बहुत अच्छा लगा आज। कुछ डिफरेंट लग रहा होगा तुम्हें, तो तुम्हारे लिए तो ये इनोवेटिव सा लग रहा होगा, कुछ नया सा है ना? यस मैम, फर्स्ट टाइम है ना ऑनलाइन क्लासेस। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बी सिंसियर, बिकॉज बच्चे शुरू में तो लगाने शुरू करते हैं बट बाद में वो सिंसियर नहीं रहते। ऑनलाइन क्लासेस के लिए तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है कि टीचर को 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस है। हम ऐसे ही ऑनलाइन में आगे कुछ भी नहीं बोल सकते। वी हैव टू प्रिपेयर पीपीटीज, वी हैव टू प्रिपेयर ऑनलाइन कंटेंट, डिजिटल मटीरियल, तो इसके लिए 3 times हम ज्यादा मेहनत करते हैं। आपको भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करना है। Okay, Harpreet, you can switch off your mic. Ma'am, I think it's enough if you are just about to start your meeting. बस ठीक है मैम, अब मुझे लगता है क्लियर हो गया है। बाकी स्टूडेंट से ये हम सजेशन ले सकते हैं कि वो आगे इस तरह के लेक्चर जो है वो कंटिन्यू हम करें या नहीं करें, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो चाहते हैं। जैसे अभी हम प्लान कर रहे थे, कोमल मैम विमेन सेल इंचार्ज है, तो ये एंगर मैनेजमेंट पे सोच रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आजकल जो आपकी टीनेजर्स हैं या जो यंग गर्ल्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत जल्दी से रिएक्ट करती हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर मैम, कोमल मैम प्लान कर रहे हैं। तो स्टूडेंट से हम राय ले सकते हैं कि वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा तो हम मूव ऑन करेंगे, अदरवाइज फिर मैम कोई और लेक्चर हम देखेंगे। बच्चे आप लोग यहाँ पे राउंड मोर देन 60 स्टूडेंट्स यू आर अवेलेबल, आप लोग चाहते हो कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आप लोगों का एक ऐसा ही लेक्चर जैसे अभी हुआ है ऐसा ही एक लेक्चर करवाए? इफ यू गाइज वॉन्ट देन प्लीज रिप्लाई।
फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हम आपसे रिस्पॉन्स चाहते हैं. आ रहे हैं मैम मैसेज, बच्चे चाहते हैं इसका मतलब. ठीक है कोमल मैम, फिर नेक्स्ट वीक हम कर लेते हैं इसको. हाँ जी हाँ जी मैम. ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू जी मैम. इसको अब मीटिंग को करें खत्म. हाँ गाइड कर देती हूँ मैम थोड़ा सा. नहीं 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 प्लीज मैम प्लीज आप करिए बात, कोई बात नहीं. बस मैं बच्चों अब आपका आज तो एटलीस्ट कोई क्लास नहीं है क्योंकि आप लोग बार बार क्लास पूछते हो. बच्चे आज नहीं है, कल के लिए जो भी गाइडलाइंस होंगी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे. ठीक है, कोई और क्वेरी है तो पूछ लो. ऑफर को देती हूँ.